एक बार मैं मुंबई गया था तो वहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था। तो वहाँ पे इंटरव्यू में एक लड़का था जो BSc IT कर रखा था, तो उनसे पूछा गया कि क्या आप कंप्यूटर चला लेते हैं। तो उस वो बोला कि हाँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से कंप्यूटर चला लेता हूँ। फिर उनसे पूछा गया क्या आप ईमेल वगैरह अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो वो लड़का बोला कि हाँ, मैं ईमेल वगैरह भी अच्छी तरीके से कर लेता हूँ और कंप्यूटर भी अच्छी तरीके से चला लेता हूँ। तो उससे पूछा गया कि जब आप ईमेल करते हैं तो ईमेल में जो आप टू आ जाता है वहाँ पे आप क्या डालते हैं, तो बोला जो मैं जिसको ईमेल सेंड करूँगा उसका ईमेल आईडी डालूँगा। फिर उससे पूछा गया कि उसके नीचे होता है CC और BCC, तो वो CC और BCC में क्या डालेंगे और इसका क्या मतलब होता है। तो यकीन मानिए, उस लड़का से इसका जवाब नहीं दिया गया, जबकि मैं सोच रहा था तो ये तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, वो ये जो है CC और BCC उस लड़का को जवाब दे देना चाहिए था। तो वो लड़का है जवाब नहीं दिया। तो मैं सोचा कि ये तो 70-80% लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो कोर्स होता है उसमें भी नहीं सिखाया जाता है कि ईमेल में जो CC होता है और BCC होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो मैं सोचा कि मैं हमें एक इस पर एक वीडियो बना देना चाहिए, जो भी व्यूअर्स है, जो भी लोग हैं जो ईमेल आईडी में जो CC होता है और BCC होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं, जो आदमी नहीं जानते हैं वो कम्प्लीटली तरीके से ये जान जाए। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो चलिए हम बता देते हैं कि ईमेल में जो CC होता है और BCC होता है जो आदमी लोग नहीं जानते हैं, तो हमें लगता है कि ये 70-80% इसके बारे में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते हैं होंगे, तो उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि CC और BCC का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ईमेल आईडी को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ कंपोज में जाएंगे। कंपोज में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है टू का, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑप्शन आ चुका है CC और BCC का। अब आप जिसको भी मैसेज करना चाहते हैं वो उसका जो है ईमेल आईडी अब यहाँ पे आप उसको टाइपिंग कर देंगे। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे जो है आलोक को मैसेज करना चाहता हूँ तो उसका मैं ईमेल आईडी यहाँ टाइपिंग कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं एक से ज़्यादा 2, 4, 10, 20 आदमी को भी मैं एक साथ में मैं इसको मैसेज कर सकता हूँ ईमेल के जरिए। तो यहाँ पे जो है टू में आप उसका एड्रेस जो है ईमेल आईडी वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आपका CC। CC मतलब हो गया आपका के कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे आप CC में कार्बन कॉपी में यहाँ पे जिसको भी आप कार्बन कॉपी देना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी यहाँ पे CC में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे टू में मैं ईमेल आईडी डाला हूँ जिसको मैं मैसेज करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं जिसको भी मैसेज करना चाहता हूँ उसका कार्बन कॉपी मैं यहाँ पे अमन को देना चाहता हूँ। तो ये आलोक को पता रहेगा कि हम जो ही हमको मैसेज किया है उसका कार्बन कॉपी अमन के पास गया है। यहाँ पे अमन को पता है कि जो ओरिजिनल कॉपी है वो आलोक के पास गया हुआ है, और आलोक को भी पता है कि जो कार्बन कॉपी मेरा है एक CC करके जो है अमन के पास मेरा जो है CC में जो यहाँ पे अपने टाइपिंग किया हूँ वो अमन के पास जो है मेरा एक कार्बन कॉपी गया हुआ है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो है आपका BCC मतलब ब्रांड कार्बन कॉपी। अब जो जिसको भी आप मैसेज करना चाहते हैं और यहाँ पे ईमेल आईडी जिसका भी डालेंगे और जिसको भी आप मैसेज करेंगे, तो ना तो आलोक को पता होगा और ना ही अमन को पता होगा कि जो अगला जो कार्बन कॉपी है वो किसी और के पास गया। तो मैं जिसको भी आप जो है इन दोनों को बिना बताए आप किसी और को देना चाहते हैं इसका कार्बन कॉपी, तो आप इसमें उसका ईमेल आईडी डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक बॉस का ईमेल आईडी डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बॉस का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब मैं आप में को भी मैसेज करूँगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय इस तरीके। यहाँ कंपोज मैसेज में मैं यहाँ पे कुछ भी टाइपिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे मैसेज यहाँ टाइपिंग कर दिया हूँ इस तरीके से योर फाइल। तो जब मैं इसको सेंड करूँगा तो आलोक को पता होगा कि उसका जो कार्बन कॉपी अमन के पास गया है। आलोक को ये नहीं पता होगा कि उसका एक कार्बन कॉपी बॉस के पास भी गया है। इसी तरीके से अमन को भी पता नहीं होगा कि जो कार्बन कॉपी जो आया हुआ है मेरे पास वो बॉस के पास भी गया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर मैसेज करते हैं तो आप जो है
आलोक के जो मैसेज करते हैं उसका कार्बन कॉपी जिसको भी देना चाहते हैं उसको आप सीसी में डालेंगे। इसके बाद इस दोनों को बिना बताए अगर किसी और को भी देना चाहते हैं तो उसको आप ब्लैंक कार्बन कॉपी मतलब बी सीसी में डालेंगे। तो जिसको भी यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ तो ना तो अमन को पता होगा और ना ही टू में आलोक को पता होगा कि ये मेरे कार्बन कॉपी है, ये बी सीसी में करके किसी और को भी सेंड किया गया है। तो ये मतलब होता है यहाँ पे सीसी और बीसीसी का। तो इस तरीके से आप किसी को भी मैसेज कर सकते हैं। अगर मैसेज कीजिएगा तो इस तरीके से आप सीसी में और बीसीसी में डाल दीजिएगा। तो सीसी में डालिएगा तो यहाँ पे जो ऊपर में टू में डालिएगा उसको पता होगा कि उसका कार्बन कॉपी यहाँ पे किसी और को सेंड किया गया है सीसी के जरिए। मगर अगर उसको आप बीसीसी में डालते हैं तो ना तो लोग को पता होगा टू वाले को और ना सीसी वाले को पता होगा कि मेरा जो कार्बन कॉपी है वो किसी और को सेंड किया गया है। तो ये मतलब होता है यहाँ पे सीसी और बीसीसी का। तो इस तरीके से आप किसी को भी बिना बताया आप एक से ज़्यादा आदमी का भी यहाँ पे उसको बीसीसी में आप करके आप मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सीसी और बीसीसी का क्या मतलब होता है और इसमें क्या फ़र्क होता है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। अगर अब आपसे कोई पूछता है या इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है कि सीसी और बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका क्या मतलब होता है, तो अब आप बहुत ही आसानी से एक ही लाइन में उसको बता सकते हैं कि सीसी मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी मतलब ब्लेंड कार्बन कॉपी होता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।